जाहिर सी बात है आपने इंसान के रूप में जन्म लिया है, आपको समस्याएं होंगी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उन समस्याओं से कैसे निपटते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उन समस्याओं को अपने ऊपर हावी होने देते हैं या आप अपने सपनों को हावी होने देते हैं। क्योंकि सपने देखना जरूरी है। जहां आज मैं हूं वो मेरा सपना था, और भी आगे मुझे जाना है वो मेरे सपने हैं। सपने देखेंगे तभी तो पूरे होंगे। अगर हाथों में हाथ धरे बैठे रहेंगे तो सपने पूरे कैसे होंगे? तो सपने पूरे करने के लिए सबसे जरूरी है सपने देखना। और सपने देखने में सबसे बड़ी रुकावटें आती है समस्याएं। ये समस्या, वो समस्या, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप दृढ़ संकल्पित हो, अगर आप निश्चय कर लिया है आपने कि आपको ये पाना है, तो आप वो बिल्कुल पाकर रहोगे। क्योंकि युवा शक्ति वाकई इतनी ताकतवर होती है। अभी जो इस उम्र में हम लोग हैं, वो जो जज्बा है हमारे अंदर, वो बहुत ही वाकई अद्भुत होता है। अद्भुत। अभी आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। तो खुद से बातें करिए, खुद को बताइए कि वाकई आप करना क्या चाहते हैं। अब आप बोलेंगे, खुद से बोलेंगे नहीं तो होगा कैसे? एक बात है कि बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है। तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जा अब तक तेरी है। ये बात आप समझिए। बोलना जरूरी है, खुद से बोलना जरूरी है, माता पिता से बोलना जरूरी है। बोल के थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्मों जुबां की मौत से पहले। बोल की सच जिंदा है अब तक, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल के थोड़ा वक्त बहुत है। तो बोलना जरूरी है। और बोलना किससे है? खुद से। हमें खुद से बताना है, हमें खुद को बताना है कि हमें कहाँ पहुंचना है। इस दुनिया में अगर आपको कोई सफल बना सकता है, कोई एक इंसान, तो वो है आप खुद। आप खुद ही आपको पास कराएंगे, आप खुद आपको वहां तक लेकर जाएंगे जहां पर आप सोच कर आए हैं। और आप खुद ही है जो आप खुद को पीछे ढकेलेंगे। क्योंकि ये हमारे हाथ में होता है, हमारे दोस्त कैसे हैं, हमारे टीचर कैसे हैं, हम कैसे हैं, और हमारे आसपास का ऑरा कैसा है, हम नेगेटिव हैं या हम पॉजिटिव हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई आपको कभी पीछे नहीं खींचेगा जब तक आप खुद उन्हें हाथ देकर पीछे खुद को खिंचवाएंगे नहीं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप पे निर्भर करता है। आपको आगे जाना है या आपको दूसरे लोगों को खुद से पीछे ले जाना चाहते हो? अगर आप आगे जाएंगे तो यकीन मानिए पूरी दुनिया आपके पीछे चलेगी। ये आप समझिए। आज मुझे जो पद मिला है, मुझे सबसे बड़े सम्मानित शब्द जो लगते हैं आजकल, वो ये लग रहे हैं कि हमें निकिता जैसा बनना है या हमें निकिता दीदी जैसा बनना है। जहां भी मैं बहुत सारी स्कूल्स में गई हूँ, मैं अपने क्षेत्र की स्पेशली बात करती हूँ, वहां बहुत पिछड़ा इलाका है, मध्य प्रदेश का छोटा सा जिला खरगोन, जहां, और मैं जिस गांव से हूं वहां सड़कें भी नहीं है। अभी अभी बसें अब जानी एक आध दो शुरू हुई है। उस जगह पर, जब उस कन्या छात्रावास में, जब उस आदिवासी बच्चियों के बीच में, जब उन बच्चों के बीच में जिनके पास में कुछ सोर्सेस नहीं है, जब वो ये कहते हैं कि हमें निकिता दीदी जैसा बनना है, तो वाकई ये सम्मान इतना मुझे अद्भुत लगता है, इतना अच्छा लगता है कि और क्या चाहिए जीवन में। और इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है कि मैं अपने गाँव को, अपने गाँव के जो भी मेरे बच्चे हैं, जो भी, जितने भी, जो भी पढ़ना चाहते, चाहे इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरी हो, सिविल सर्विसेज हो, सिलाई करना है, टेलरिंग करना है, फैशन डिजाइनिंग करना है, लड़कियों को मॉडल बनना है, कुछ भी करना है, मैं उन्हें मदद करूंगी जितनी मेरी हो सके। यानी कि मैंने अपना गांव बोल दिया। तो ये आपको ये सम्मान कहीं नहीं मिलेगा, कहीं पर भी आपको ये सम्मान नहीं मिलेगा, कोई देने नहीं आएगा, आपको खुद कमाना पड़ेगा ये चीजें। क्योंकि इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि आप किसी के लिए आदर्श हो, वो भी इतनी छोटी उम्र में। और लड़कियां स्पेशली बहुत मानने लगी हैं, बहुत, क्योंकि बहुत लड़कियों को बहुत दिक्कतें होती है, ऐसा उन्हें लगता है। लोग कहते हैं कि लड़की हो इसलिए दिक्कत होती है। मुझसे भी क्वेश्चन पूछा गया था कि डीसी बनने के बाद आपको, महिला होने के नाते आपको क्या क्या परेशानियां आएंगी। मैंने ये जवाब दिया, मैं हमेशा कहती हूँ महिला हूँ इसलिए दिक्कत नहीं होगी, डीसी के पद पर हूँ, एक प्रशासनिक पद पर हूँ, इसलिए जरूर दिक्कतें आएंगी। तो ये मैंने तो अपने दिमाग से निकाल दिया कि लड़की हूँ, छोटी हूँ, या ऐसी फैमिली से हूँ, या ऐसे क्षेत्र से हूँ, इसलिए मुझे समस्याएं हैं। मुझ में कुछ कमी है, आप में कुछ कमी है, इसलिए आपको समस्या है। ये सब बहाने होते हैं, और जिसके पास इरादे होते हैं उसके पास बहाने नहीं होते, ये आपको समझना है। कई सारे लोग होंगे जो बहुत सारे, जो जैसे कि अभी इससे पहले जिन्होंने बात की थी, उनकी फेलियर मिला है, देखने को मिला है, उनके पापा ने उन्हें बहुत अच्छी बात कही, समझाइश दी थी। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपने पेरेंट्स को कैसे समझा कर रखते हैं।
आपको आपके पेरेंट्स को कोई और, कोई बाहरी इंसान, कोई पड़ोसी, आपके टीचर, कोई रिश्तेदार बोलने नहीं जाएंगे कि आपका बच्चा कैसा है, आपका बच्चा अच्छा है। ये आप खुद बताएंगे कि आप अच्छे हो या बुरे, आपको उन्हें सपोर्ट करना है या नहीं करना है। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि वो असफल हुए थे, उसके बाद में उन्हें 2018 में सफलता मिली। यही तो जीवन है। अगर आप सफलता का जश्न नहीं मनाओगे तो चलेगा, अगर आप सफलता का जश्न ना भी मनाओ तो चलेगा, लेकिन असफलता से सीखोगे नहीं तो ये अपराध है। तो असफलताओं से सीखना है, क्योंकि इससे अच्छा, इससे अच्छी गुरु, इससे अच्छा टीचर, इससे अच्छा मार्गदर्शक, इससे अच्छा निर्देशक आपको अपने जीवन में कोई नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फेल होते जाओ। ये उन लोगों के लिए है जो लोग सोचते हैं कि हम फेल होने वाले हैं या फेल हो गए हैं, डिप्रेशन में हो रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं, ये उन लोगों के लिए। अगर आप असफल होते हो तो सफलता की ओर ये आपका एक बहुत ही बेहतरीन कदम है। आप असफल इसलिए हुए हो क्योंकि आपने कोशिश की है। कई सारे लोग तो कोशिश भी नहीं करते। तो करे कोशिश इंसान तो क्या क्या नहीं मिलता, करे कोशिश इंसान तो क्या क्या नहीं मिलता। वो उठकर चल के तो देखें जिन्हें रास्ता नहीं मिलता। चाहे धूप हो कांटे हो चलना ही पड़ता है, चाहे धूप हो कांटे हो चलना ही पड़ता है, क्योंकि किसी प्यासे को घर बैठे दरिया नहीं मिलता। ये बात आपको समझनी है। हमें कोशिश तो करनी है। कोशिश करेंगे तभी मिलेगा, कोशिश करेंगे तभी वहां पहुंच पाएंगे। बिना कोशिश किए तो कुछ नहीं होता। तो कोशिश करना जरूरी है। और अच्छा अच्छा आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। पॉजिटिविटी, जनरली लोग कहते हैं कि हम किसी के बारे में बुरा नहीं बोले या कुछ अच्छा देखें, कुछ अच्छा करें, ये पॉजिटिविटी होती है। पॉजिटिविटी ये है कि आपको पता ही नहीं है कि नेगेटिविटी क्या है, ये पॉजिटिविटी है। आपको अगर पता है कि नेगेटिविटी क्या है तो आप पॉजिटिव नहीं हो, ये आपको समझना पड़ेगा। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, खुद के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, उन्हें पॉजिटिव रखिए, अपने दोस्तों को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि आसपास का ऑरा पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अगर आप, मान लीजिए अगर आप किसी बूचड़ खाने से आते हैं या किसी भैंसों के तबेले से गुजर के आते हो, यहाँ पर आकर बैठते हो, तो हमें ये लगेगा कि आप भैंस चराने वाले हो। लेकिन वहीं आप अगर किसी इत्र की फैक्ट्री से निकल के आते हो तो हमें ये लगेगा कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, क्योंकि खुशबू बदल जाती है। ना आपने भैंसों के तबेले में काम किया है और ना आपने इत्र बनाने वाली फैक्ट्री में काम किया है, लेकिन आपके शरीर की खुशबू आपको बताती है, आपके शरीर की खुशबू दूसरों को बताती है कि आप किस जगह से निकल के आए हो। उस हिसाब से उनका नजरिया बदलता है, क्योंकि हम